हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज नया चैप्टर है ना, इरेशनल इनक्वालिटीज़। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें आपको कंसेप्ट का अच्छे से कंसेप्ट को जानना, क्योंकि कहीं कहीं एक्चुअली होता क्या है, बच्चे लोग इरेशनल इक्वेशन जो होता है, ठीक है, उसमें कहीं स्क्वायर लगा देता है या इनक्वालिटीज़ सब भी उसको अच्छे से समझ में नहीं आ पाता है। ठीक है, इस टाइप के इरेशनल इनक्वालिटीज़ को हम कैसे सॉल्व करें, ठीक है ना। चलिए आज हम देखते हैं इरेशनल इनक्वालिटीज़ का कंसेप्ट अच्छे से, ठीक है ना, और कहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, कहाँ पर हम स्क्वायर नहीं करते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में हम आपको इसमें बताने वाले हैं इस लेक्चर में, और इसके ऊपर फिर हम प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसके ऊपर थोड़ा सा बात कर लेते हैं, बच्चे लोग गलती कहाँ करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, कहीं आप बच्चे को दे दीजिए एक्स माइनस वन का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू एक्स बाई टू, और बोलिए उसको x का वैल्यू मेरे को निकालना है, ठीक है। तो बच्चे क्या करते हैं, स्क्वायर लगा देते हैं दोनों तरफ, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वन इक्वल्स टू एक्स बाई टू। इसको इससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर लग गया तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये क्या हो जाएगा, फोर एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और ये सब को उठा करके आप इस साइड कर लीजिए। जब ये सब को उठा करके इस साइड करेंगे तो आ जाएगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इक्वल्स टू जीरो, और यहाँ से हो जाएगा क्या, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू टू, ठीक है। आंसर आ गया एक्स इक्वल्स टू टू, लेकिन यहाँ पर तो आंसर आ गया x इक्वल्स टू टू, इसको सेटिस्फाई भी करेगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी आ जाएगा, ठीक है, जहाँ पर आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब x का वैल्यू। तो कहाँ पर हम स्क्वायर करेंगे, कहाँ पर हम स्क्वायर नहीं करेंगे, इस बात का बच्चे को आइडिया ही नहीं रहता। जैसे इस तरीके का क्वेश्चन देखता है, स्क्वायर लगा देता है। जैसे देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी रह सकता है, क्वेश्चन है इफ़ रूट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन देन फाइंड एक्स। यदि रूट एक्स इक्वल्स टू क्या है, माइनस वन है, तो x का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। तो बच्चे लोग देखिए करते क्या है, यहाँ पर रूट एक्स इक्वल्स टू माइनस वन देखते ही, ठीक है, उनको तो x निकालना रहता है, तो बिना सोचे समझे, है ना, दोनों तरफ क्या करता है, स्क्वायर लगा देता है। दोनों तरफ स्क्वायर लगाने के बाद देखिए क्या आ जाएगा इसका आंसर, x इक्वल्स टू वन, ठीक है ना। x इक्वल्स टू वन, आप x इक्वल्स टू वन इसके एल एच एस में रखिए, देखिए क्या आपका, आपको इसका वैल्यू माइनस वन आ रहा है क्या। x इक्वल्स टू वन यदि आप इस इक्वेशन के एल एच एस में रखेंगे तो कभी भी आर एच एस इसका नहीं आएगा वन के बराबर, ठीक है। और यहाँ एक चीज़ और आपको ध्यान देना है, यहाँ जो स्क्वायरिंग हम दोनों तरफ कर दिए, ये स्क्वायरिंग करना भी यहाँ गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है। मॉडुलस चैप्टर में हम आपको इसके ऊपर बहुत सारा बात किए हैं, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है, और कोई भी पॉजिटिव स्क्वायर रूट नेगेटिव के बराबर वैल्यू देगा ही नहीं, ठीक है। तो ये इसके बराबर एक्चुअली है ही नहीं, यदि ये इसके बराबर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर हम स्क्वायर कैसे लगाएंगे, स्क्वायर यहाँ नहीं लगा सकते, है ना। तो ध्यान देना है, जब कभी भी आपको ये पता चल जाए कि स्क्वायर रूट यदि एल एच एस में है, आर एच एस में यदि कोई अननोन है या नॉन भी है, नॉन क्वांटिटी है, और यदि वो नॉन क्वांटिटी नेगेटिव है, तो आप वहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं। स्क्वायर हम लगाएंगे कहाँ पर, यदि ऐसे देखिए, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मान लीजिए ए है, ठीक है ना। देखिए यहाँ हम स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ पर भी नहीं लगा सकते हैं। अब ए के बारे में मालूम नहीं है ना मेरे को, ए पॉजिटिव है या निगेटिव है या जीरो है। हाँ, यदि ए जीरो रहेगा तब भी स्क्वायर लगा सकते हैं हम, या ए जीरो से ग्रेटर रहेगा तब भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं, निगेटिव रहेगा तो स्क्वायर बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। समझ में आया क्या, हाँ, ये बात आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये जो एक्स का वैल्यू वन है ना, ये गलत है। एक्स का यहाँ कोई ऐसा पॉसिबल वैल्यू नहीं है जिनको इसमें रखने पर, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाए, माइनस वन। रियल वैल्यू का बात कर रहे हैं, इमेजिनरी का बात नहीं कर रहे हैं, रियल वैल्यू का बात हम कर रहे हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो आप स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ये करना बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। सो यहाँ पर आप स्क्वायर नहीं लगा सकते हैं बिना ये जाने कि रूट अंडर एफ ओफ एक्स के आगे में जो है एक, मतलब आर एच एस में जो है, यदि रूट अंडर एफ ओफ एक्स एल एच एस में है, तो उसके आर एच एस में जो क्वांटिटी है यदि वो जीरो या जीरो से ग्रेटर है तो हम स्क्वायर लगाएंगे, या नहीं तो नहीं लगाएंगे, ठीक है ना। यदि पता नहीं रहे तो उसको आप एज्यूम कर लीजिए,
जैसे यहाँ देखिए मेरे को पता नहीं था x पॉजिटिव है या निगेटिव है, बट हम बिना जाने पहचाने ठीक है ना इसमें क्या कि स्क्वायर लगा दिए, लगाना यहाँ पर स्क्वायर गलत हो गया, ठीक है आंसर आ गया चलिए सही है। x की जगह यदि आप 2 डालते हैं 2 माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, और इधर यदि आप x की जगह 2 रखते हैं तो 2 बाई 2 भी 1 आ जाएगा। सब कुछ सही है बट बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको अभी दिखाएंगे ठीक है ना जहाँ पर आंसर सही नहीं आएगा, बहुत सारा आंसर ऐसा होगा जो रिजेक्ट भी हो जाएगा, जो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। समझ में आएगा मतलब कब स्क्वायर करना है कब नहीं करना है। चलिए अब हम इक्वेशन का इरेशनल इक्वेशन का फॉर्म पढ़ते हैं ठीक है, किस किस फॉर्म के इरेशनल इक्वेशन और इन इक्वेशन आपके बीच आ सकता है और उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब इरेशनल इक्वेशन एंड इन इक्वेशन, ठीक है अब देखिए इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मतलब हम आपको इक्वेशन का फॉर्म लिख रहे हैं और उसको सॉल्व करने का मेथड भी आपको हम लिख रहे हैं ठीक है। तो जैसे देखिए कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ मतलब रह सकता है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू जीरो, क्या है यहाँ पर एफ ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब इस टाइप के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ठीक है, तो याद रखिएगा हम आपको बता दिए हैं a इंटू बी यदि जीरो के बराबर रहता है तो या तो a जीरो होगा या b जीरो होगा या दोनों जीरो होगा। इसको मैं ऐसे बोल सकते हैं आइदर a जीरो b जीरो है ठीक है ना, a जीरो या b इक्वल्स टू जीरो, मतलब a जीरो रहेगा b जीरो नहीं रहेगा तब भी चलेगा, b जीरो होगा a जीरो नहीं रहेगा तब भी चलेगा ठीक है, और यदि दोनों भी जीरो रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है, जीरो इंटू जीरो भी जीरो ही होता है। तो यहाँ देखिए जब इस फॉर्म के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको रहे ठीक है ना एफ ऑफ एक्स इंटू रूट अंडर जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो हम करते क्या है ध्यान देना है, यहाँ पर ऐसे नहीं कर देते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो और ऐसे नहीं कर देते हैं रूट अंडर जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है ना। यदि हम ऐसे करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है। इस प्रकार से यदि हम कर देते हैं और यहाँ हम स्क्वायर भी लगा सकते हैं, चलिए स्क्वायर कर सकते हैं यहाँ पर स्क्वायरिंग जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो और एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो। यदि आप ऐसे सोचते हैं नहीं इस प्रकार से कर करके हम इसको क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे तो मेरा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा सही आ जाएगा ठीक है। हो सकता है 90% केस में आपका सही 10% है ना, 100% में 10% में आपका आंसर सही आ जाए, 90% आपका गलत ही आएगा ठीक है। अब जैसे कहीं लिखा हुआ है इस प्रकार से x प्लस टू इंटू ठीक है और x स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू जीरो और इसको मेरे को सॉल्व करना है ठीक है, इस इक्वेशन को मेरे को सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो कर लेंगे और x स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस टू और इसको उठा करके इस साइड कर लीजिए तो यहाँ क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, स्क्वायर लगा देते हैं x स्क्वायर इक्वल्स टू वन देन x इक्वल्स टू क्या प्लस माइनस वन, x का वैल्यू क्या आया माइनस टू आया ठीक है ना, और यहाँ देखिए x का वैल्यू माइनस टू आया और क्या माइनस वन आया क्लियर है और वन आया, तो ये इसको सही कर रहा है ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल सही है, बिल्कुल भी गलत नहीं है यहाँ पर, बट जब आप इससे आगे जाएंगे जैसे इसी को देखिए हम इस प्रकार से लिख रहे हैं x प्लस टू इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू जीरो, तब भी आप क्या करते हैं तब भी आप दोनों को जीरो के बराबर करके उससे x का वैल्यू निकालते हैं x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो
और 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 और एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस माइनस 1। तो यहाँ x का दो वैल्यू निकला, यहाँ से 1 और माइनस 1, यहाँ से देखिए x का वैल्यू क्या निकला 2 एंड नहीं माइनस 2 निकला यहाँ से। अब आप तो सॉल्यूशन सेट में, जैसे हम क्वेश्चन इस प्रकार से मतलब बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन x प्लस 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 0। मतलब क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, इतना इंटीजर टाइप में क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। मतलब इस इक्वेशन का नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताइए, सॉल्यूशंस की संख्या बताइए। इसमें भी आपको पूछा जा सकता था, इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस का संख्या बताइए। चलिए इसको एक नंबर का क्वेश्चन कर देते हैं और दो नंबर में चलिए इसको ले लेते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। इस इक्वेशन में भी आपको क्या करना है, सॉल्यूशंस का संख्या बताना है और यहाँ पर भी बताना है इसके सॉल्यूशंस का संख्या। तो अब यहाँ देखिए, इसमें 3 सॉल्यूशंस आया है, माइनस 2b 1b एंड माइनस 1b। तो इसमें आप क्या बोल सकते हैं, इसका आंसर 3 है ना। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है आपको, इसमें कितना आएगा सॉल्यूशंस की संख्या 3, ठीक है। अच्छा, यदि आपको इसमें पूछा जाए तो इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है आपको, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताना है। अब यहाँ देखिए, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से करते ही हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत नहीं है, फिर ये सब को इसमें रख करके देखते हैं सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो चलिए इस पर आप सोच सकते हैं, ठीक है। हम भी यदि आपको बोलेंगे तो आप सोच सकते हैं, लेकिन यदि आप ऐसे बना करके छोड़ देते हैं, इसमें दो सॉल्यूशन इसमें एक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3। इसमें टोटल सॉल्यूशंस की संख्या कितना आ जाएगा 3, जो कि गलत है, है ना, जो कि गलत है। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आएगा इसमें, 3 आएगा क्या, नहीं 3 नहीं आएगा। अब तो आएगा कितना, आप एक बार चेक कर लीजिए ना, ये दोनों जब आप इसमें रखेंगे तो इसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा ही। आप x की जगह 1 रखिए, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 0 को इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 आ जाएगा। माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर रूट 0, 0 इंटू इतना 0। अब x की जगह आप माइनस 2 रखिए तो 1 माइनस माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो 1 माइनस 4 आ जाएगा क्या माइनस 3। रूट के अंदर में निगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना। सो ये आंसर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया, ठीक है ना, ये आंसर क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। तो इसमें सॉल्यूशंस का संख्या 3 नहीं केवल 2 आया, ठीक है ना। इसमें कितना आया सॉल्यूशंस का संख्या, 3 नहीं 2 आया, क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम बार बार चेक करना तो मेरे को पार लगेगा नहीं, बार बार चेक करेंगे तो इसमें बहुत सारा सॉल्यूशन यदि आ गया तो हम क्या करेंगे, बहुत सारा आ सकता है, और भी इसमें रह सकता है, और भी यहाँ पर इतना ही नहीं रह सकता है, यहाँ पर बहुत सारा फंक्शन क्या हो सकता है, प्रोडक्ट में रह सकता है। इधर ऐसा नहीं कि दो ही फंक्शन आपको प्रोडक्ट में यहाँ पर दे करके हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो ऐसा भी रह सकता है, इस प्रकार से भी रह सकता है। देखिए यहाँ पर क्या था सॉल्यूशन संख्या को, मतलब टोटल 3 आया था, यहाँ देखिए 2 आया था। जब हम चेक किए तो बार बार चेक करने के लिए, हो सकता है बच्चा भूल जाए, उसको ये लगता है एक दो क्वेश्चन लगा लेता है तो उसको ये लगने लगता है कि नहीं मेरा चलो आंसर सही ही आ रहा है, ठीक है। बनाने का एक हम आपको मेथड बता देते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को करना कैसे है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए, 0 से ग्रेटर, है ना। जब तक रूट के अंदर वाले एक्सप्रेशन 0 से ग्रेटर नहीं होगा, तब तक ये इक्वेशन डिफाइंड ही नहीं होगा। किसी भी स्क्वायर रूट को डिफाइंड होने के लिए उसके अंदर में जो क्वांटिटी है उसको या तो 0 होना पड़ेगा या 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा। यदि रूट के अंदर वाले क्वांटिटी 0 से कम आ जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन अनडिफाइंड हो जाएगा, इक्वेशन अनडिफाइंड हो जाएगा। सो इसको डिफाइंड होने के लिए रूट के अंदर वाले एक्सप्रेशन को 0 या 0 से ग्रेटर होना पड़ेगा, क्लियर है। चलिए अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। मतलब इसका मतलब जो एक वेल डिफाइंड सॉल्यूशंस होता है ना, जिनको कर लेने से आपको बिल्कुल भी चेक करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। देखिए करेंगे क्या, जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन है उसको क्या कर लेना है, 0 से ग्रेटर,
जीरो या जीरो से ग्रेटर, क्योंकि रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है इसका वैल्यू या तो जीरो होना चाहिए, जीरो से क्या होना चाहिए, ग्रेटर आना चाहिए, है ना। तो पहले ही हम कर लेते हैं इसका वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर। अब क्या कीजिए, दो क्वांटिटी जो जीरो के बराबर रहता है, ठीक है, दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट यदि जीरो के बराबर रहे तो दोनों का प्रोडक्ट को अलग अलग जीरो बराबर करेंगे, तब क्या कीजिए एफ ऑफ एक्स को जीरो के बराबर कर लीजिए और जी ऑफ एक्स को भी जीरो के बराबर कर लीजिए। ऐसे रूट अंडर जी ऑफ एक्स को करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे तो जी ऑफ एक्स ही आएगा ना। तो ये इसका हो गया क्या एग्जैक्ट सॉल्यूशन। ऐसे आपको करना पड़ेगा, जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू या तो जीरो या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, पहले हम उसको कर लेंगे। उसके बाद जो कंसेप्ट आप जानते हैं, कंसेप्ट आप क्या जान रहे थे, दोनों को ही जीरो के बराबर करना है, एफ ऑफ एक्स को भी रूट अंडर जी ऑफ एक्स को भी, ठीक है। इधर तो आपको सॉल्व हो ही जाएगा, इस साइड क्या करेंगे दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा देंगे, जी ऑफ एक्स इक्वल टू हो गया क्या जीरो, ठीक है। अब यहां से आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम को, ओके, कोई दिक्कत नहीं। बट यहां रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसको क्या करना है, जीरो या जीरो से ग्रेटर कर लेना है, ठीक है। चलिए अब हम एक बार फिर से इस क्वेश्चन को और इसको बनाते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, x प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर, अच्छा वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो याद रखिएगा इस इक्वेशन को डिफाइन होने के लिए, ठीक है, रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू या तो जीरो होना चाहिए, जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है ना। तो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन देखिए क्या है, वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये इसका क्या होना चाहिए वैल्यू, जीरो या जीरो से ग्रेटर। अब क्या करना है, अब ये जीरो या जीरो से ग्रेटर हो गया, अब आप ये दोनों को जीरो के बराबर कर करके सॉल्व कर लीजिए, इसको भी जीरो के बराबर कीजिए, इसको और इसको, x प्लस कितना आ जाएगा, टू इक्वल्स टू जीरो और वन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू क्या जीरो। तो यहां से आप क्या कीजिएगा, x का वैल्यू जब निकालिएगा तो माइनस टू आएगा, इसको भी आप सॉल्व कर ही लीजिए, इस इनक्वालिटी को सॉल्व करने आपको आता है ना, इसको उठा करके सेट कीजिएगा, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू वन आ जाएगा और ये माइनस वन से एक्स का वैल्यू वन तक आएगा, ठीक है। मतलब क्या, ये इंडिकेट क्या कर रहा है, एक्स का जो वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके आएगा वो माइनस वन हो सकता है, वन हो सकता है, ठीक है, और माइनस वन और वन के बीच का वैल्यू हो सकता है, ठीक है, उससे बाहर का वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से एक्स का वैल्यू कितना निकलेगा, माइनस टू, और यहाँ से दोनों तरफ स्क्वायर लगा दीजिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, देन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे तो देखिए एक्स का वैल्यू क्या निकला, माइनस टू निकला, माइनस वन निकला, वन निकला, ठीक है। अब एक्स क्या लेना है आपको, माइनस वन से वन के बीच में, कंडीशन तो यहाँ दिया हुआ है ना कि एक्स का मेरे को वही वैल्यू लेना है जो माइनस वन होगा या वन होगा या उसके बीच में होगा। तो अब देख लेते हैं यहाँ पर इस इक्वेशन को सॉल्व कर करके जो एक्स का वैल्यू आया है, और यदि वो माइनस वन से वन के बीच में है और माइनस वन भी है और वन भी है तो उसको ले लेंगे, बाद बाकी को रिजेक्ट कर देंगे। तो देख लीजिए इसके बीच में क्या क्या आया है, वन आया, माइनस वन आया, माइनस टू, तो माइनस वन से वन के बीच में नहीं आएगा, सो रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा क्या, माइनस वन और वन। तो नंबर ऑफ टोटल सॉल्यूशंस का संख्या कितना आ जाएगा, टू। अब देखिए दूसरे नंबर के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्या है, x प्लस टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ आप कर लीजिए पहले ही, एक्स स्क्वायर माइनस वन का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये दोनों के बीच में और कहीं साइन रहेगा, या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा, ठीक है। तो x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो और, लेकिन यहाँ एंड का बात है, और क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, दोनों जो रूट के अंदर में उसको जीरो के बराबर कर लीजिए जैसे यहाँ पर हम किए हैं। अब यहाँ से x का वैल्यू सॉल्व करके निकाल लीजिए, यहाँ से निकालिएगा एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ये क्या हो जाएगा, छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा, इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। इसको उठा करके इस साइड ला करके x प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन करने पर आ जाएगा आपको इसका रिजल्ट इस प्रकार से, ठीक है। और फिर यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस वन। अरे इस टाइप की इनक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम बता दिए हैं ना, बता दिए। अब आप देख लो x का वैल्यू माइनस वन या माइनस वन से कम लेना है, आंसर में क्या क्या आएगा, माइनस वन या माइनस वन से कम, तो आंसर में माइनस वन आ जाएगा, वन या वन से ग्रेटर,
और माइनस वन या माइनस वन से कम में माइनस टू भी आता है। यहाँ पर ये तीनों ही आंसर डिफाइंड हो गया, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर इस इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना हो गया, थ्री, और इस इक्वेशंस के लिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के लिए है ना, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, टू। चलिए अब आगे क्वेश्चन ट्राई करते हैं और भी। क्वेश्चन है देखिए क्या, एक्स स्क्वायर माइनस वन सॉल्व करना है, सॉल्व 4x है ना, 2x माइनस वन का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू जीरो, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप ये देखिए x का तो यहाँ पर तीन वैल्यू निकलेगा, एक उसको जीरो करके, एक इसको जीरो करके, लेकिन मेरे को x का y वैल्यू लेना है जो क्या होगा, 2x माइनस वन से जीरो या 2x माइनस वन जीरो या जीरो से क्या होगा, ग्रेटर होगा। मतलब पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, इसको 2x माइनस वन क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो से ग्रेटर, और तब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो कर लेंगे और 2x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, मतलब तब दोनों को जीरो के बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से जब x का वैल्यू निकालेंगे तो प्लस माइनस वन निकलेगा, यहाँ से x का वैल्यू निकलेगा क्या, वन बाई टू, और इसको सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ देखिए x का वैल्यू आपको क्या क्या लेना है, यहाँ क्या क्या आया, माइनस वन, वन एंड वन बाई टू, बट x क्या लेना है, वन बाय टू या वन बाई टू से ग्रेटर, सो x बिलोंग्स टू क्या क्या आ जाएगा, वन एंड वन बाई टू, देख लीजिए ना, वन बाई टू या वन बाई टू से ग्रेटर में क्या क्या वैल्यू आएगा, वन और वन बाई टू, यही दोनों इसका सॉल्यूशंस का संख्या हो गया, मतलब सॉल्यूशन हो गया ये सॉल्यूशन सेट, और सॉल्यूशंस का संख्या कितना यदि पूछा जाए तो दो बोलेंगे हम। चलिए आगे चलते हैं, नहीं तो यदि आप इसको डिफाइन नहीं कर रहे होते तो आपको देखिए कितना सॉल्यूशन मिलता, माइनस वन, वन और वन बाई टू, माइनस वन यहाँ रिजेक्ट हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस फोर इंटू एक्स प्लस ठीक है ना, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन है जीरो से क्या होना चाहिए, ग्रेटर, एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन जीरो, एंड अब एक्स स्क्वायर माइनस फोर भी जीरो के बराबर हो जाएगा, जो आप जानते हैं उसको आप कर लीजिए, और एक्स प्लस वन भी जीरो के बराबर होगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन, यहाँ से आप एक्स का वैल्यू निकालिएगा, प्लस माइनस टू निकलेगा, और एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, माइनस वन। अब x का वैल्यू क्या निकला, माइनस वन, माइनस टू एंड टू, यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या लेना है, माइनस वन से ग्रेटर, ठीक है। माइनस वन से ग्रेटर में देखिए क्या क्या आता है, माइनस वन से ग्रेटर में, अच्छा इक्वल टू भी ना, इक्वल टू भी तो जीरो हो सकता है, माइनस वन से ग्रेटर में क्या क्या आ सकता है, रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस क्या क्या होगा, माइनस वन आ जाएगा और टू आ जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं, आप कीजिएगा खुद से, 16 माइनस एक्स स्क्वायर इन टू थ्री माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू जीरो, ये आपको खुद से करना है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अच्छा, दूसरा नंबर में देखिए क्या है, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स
इक्वल्स टू क्या जी ऑफ एक्स। अब देखिए इस फॉर्म के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर आपको ध्यान देना है इस फॉर्म के इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। इस फॉर्म के इक्वेशन को सॉल्व करने का सिंपल मेथड है, आप ऐसे देख सकते हैं, इस स्क्वायर रूट का वैल्यू जो भी निकल करके आएगा, ठीक है, या तो जीरो आएगा या जीरो से ग्रेटर आएगा, चूंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट है तो जो इसका वैल्यू आएगा वही क्या होना चाहिए, इसका वैल्यू होना चाहिए, है ना, ये सोचने वाली बात है। जी ऑफ एक्स जो ये होगा वही ये होगा, इसका मतलब जी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो हो सकता है या जीरो से ग्रेटर आ सकता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने का मेथड ये है, ऐसे यहाँ स्क्वायर हम नहीं लगा सकते, अभी हम आपको बोले थे रूट एक्स इक्वल टू माइनस वन रहने पर आप दोनों तरफ स्क्वायर नहीं कर सकते, चूंकि रूट एक्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट का सिंबल है और माइनस वन आप जानते हैं आर एच एस में जो है निगेटिव है, कोई भी पॉजिटिव नंबर निगेटिव के बराबर नहीं होता है, ठीक है। सो ये दोनों पहले तो दोनों इक्वल ही नहीं होगा, ठीक है, इक्वल यदि होता तो हम स्क्वायर लगा सकते थे, बट इक्वल ही नहीं है, और दिखावे के लिए हम दिखा दिए कि रूट एक्स इक्वल टू माइनस वन, सो स्क्वायर वहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है ना, मतलब यदि रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू निगेटिव क्वान्टिटी रहे तो आप स्क्वायर नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं रूट अंडर एक्स इक्वल्स टू एनी निगेटिव क्वान्टिटी तो स्क्वायर हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब यदि रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एनी निगेटिव क्वांटिटी रहेगा तो स्क्वायर हम दोनों तरफ नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब एप्लीकेबल नहीं होगा, समझ में आया क्या। इसके लिए दो जब तक ये रूट हटेगा ना, आप ऐसे सोचिए इस इक्वेशन को हम सॉल्व करने के लिए आए हैं और जब तक रूट हटेगा नहीं तब तक एक्स निकलेगा कैसे, चूँकि जो भी होगा रूट के अंदर में एक्सप्रेशन होगा ना, तो जब तक हम रूट को हटा नहीं लेंगे तब तक क्या होगा, एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा। तो रूट को हटाने के लिए एक ही उपाय है इस दुनिया में, स्क्वायर है ना, स्क्वायरिंग मेथड, और स्क्वायर हम कर नहीं सकते हैं जब तक जी ऑफ एक्स के बारे में मेरे को पता नहीं चल जाए जी ऑफ एक्स जीरो है या जीरो से ग्रेटर है, है ना, यदि जीरो रहेगा तो भी स्क्वायर कर सकते हैं, जीरो या जीरो से ग्रेटर रहेगा, जीरो से ग्रेटर रहेगा तब भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, तो ऐसा करते हैं, मान ही लेते हैं जी ऑफ एक्स क्या है, जीरो से ग्रेटर है। यदि आपको पता नहीं चले, ठीक है, तो आप मान लीजिए जी ऑफ एक्स क्या है, जीरो से, जीरो भी हो सकता है, जीरो से ग्रेटर, जीरो है या जीरो से ग्रेटर है, तो हम दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी स्क्वायर ऑफ एक्स। जब आपको पता चल जाए कि ये जो है ना जीरो है या जीरो से ग्रेटर है, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर कर लीजिए। जब तक आपको पता नहीं चले तब तक आप स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इसके ऊपर क्वेश्चन लगा लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व फोर एक्स, जितना भी क्वेश्चन रहेगा सब में एक्स का ही वैल्यू तो निकालना रहेगा, है ना। एक नंबर में देखिए क्या है, 12 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू एक्स। दूसरे नंबर में देखिए क्या है, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। तीसरे नंबर में देखिए क्या है, 1 प्लस 5x का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू क्या x। और चौथा नंबर में देखिए क्या है, 3x माइनस 18x प्लस 1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और पांचवा नंबर में देखिए क्या है, 5 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय ये, है ना। थर्टीन माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बाय ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक में देखिए क्या है, 12 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू एक्स। यहाँ पर हम स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जब तक मेरे को ये पता नहीं चल जाए एक्स क्या है,
नॉन निगेटिव क्वांटिटी है, नॉन निगेटिव मतलब या तो जीरो या जीरो से ग्रेटर है ना। जब तक ये मेरे को पता नहीं चल जाए कि x क्या है, नॉन निगेटिव है, तब तक हम यहाँ पर स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम क्या कर लेते हैं पहले x क्या है, जीरो या जीरो से ग्रेटर है, मान के चलते हैं x जीरो या जीरो से ग्रेटर है, एंड कर लीजिएगा बीच में, चूंकि ये जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा तभी हम स्क्वायर कर सकते हैं, मतलब ये जीरो से ग्रेटर है तब, मतलब एंड है ना। 12 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या, एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये सबको उठा के सेट कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू जीरो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स इक्वल्स टू 3 एंड माइनस 4। अरे आप इसको जानते हैं ना सॉल्व करने के लिए, बट यहाँ एक्स का वैल्यू जो लेना है जीरो या जीरो से ग्रेटर लेना है ना। सो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, ओनली 3 सॉल्यूशन पॉसिबल हुआ। लेकिन आप यहाँ देखिए, यदि आप यहाँ पर स्क्वायर कर दिए होते हैं ना, तो अभी ये दोनों सॉल्यूशन इसका आ जाता, ये भी आ जाता, ये भी आ जाता, जो कि पॉसिबल नहीं है, मतलब माइनस 4 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। सो आपको समझ में आ रही है ना, यहाँ पर जी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर क्यों लेना ज़रूरी है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 2 में देखिए क्या है, 7 माइनस एक्स का स्क्वायर रूट इक्वल्स टू, यहाँ तक आप जानते ही हैं सॉल्व करने के लिए इसको, ठीक है। बट हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा दिए हैं क्या, कि रूट के, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स के आरएचएस में जो एक्सप्रेशन होता है ना, केवल उसका वैल्यू आपको जीरो या जीरो से ग्रेटर ले लेना है, ठीक है। बाद में ये सब स्क्वायर तो आप करते ही हैं, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम मतलब वेस्ट नहीं करेंगे हम, ठीक है। चलिए यहाँ कर लेते हैं, एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और यहाँ पर 7 माइनस एक्स रहने देते हैं, और दोनों तरफ स्क्वायर लगा लेते हैं। ऐसे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर तो लगाना ही पड़ेगा ना, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो ये सबको उठाइए, इस साइड कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है ना, इसको उठा के सेट कीजिएगा, माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो एक्स माइनस क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो आइदर एक्स इक्वल्स टू माइनस 2 और 3। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स का वैल्यू 1 या 1 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर। तो आप देख लीजिए, इसमें से वही एंड लगा हुआ है ना यहाँ पर, ये दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ कह रहा है क्या, एक्स 1 या 1 से ग्रेटर होगा तो ही हम, मतलब तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स का वैल्यू मेरे को चाहिए है। तो आप देख लीजिए, इस सॉल्यूशन में एक्स का वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर में कौन सा है, एक्स इक्वल्स टू 3। सो ये इसको सेलेक्ट कर लेंगे है ना, और बाद में ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब आराम से आप कर सकते हैं, जैसे अब यहाँ देखिए इसको कैसे करेंगे, तो आप क्या कीजिए, स्क्वायर रूट वाले को एक साइड कीजिए, एक जो इसका एक मेथड है, फॉर्म है ना, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स एक साइड होना चाहिए, रूट वाला फंक्शन एक साइड, और बिना रूट वाला क्या होना चाहिए, एक साइड आना चाहिए। उसी प्रकार से हम क्या कर लेंगे, पहले कर लेंगे रूट वाले को एक साइड और बिना रूट वाले को एक साइड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद काफ़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। थ्री नंबर में क्या करेंगे हम, 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5x इक्वल्स टू एक्स को, मतलब इतना में है ना, इसको उठा के इस साइड कर लेंगे, इसको उठा के इस साइड कर लेंगे, 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 1 प्लस 5x का स्क्वायर रूट, अब चलिए, अब यहाँ पर मेरे को क्या करना चाहिए, 1 माइनस एक्स को 0 या 0 से ग्रेटर एंड अब स्क्वायर, यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, और ये हो जाएगा क्या, साइड को इंटरचेंज कर लीजिए। हर आदमी चाहता है एक्स क्या मेरे को, मतलब किस तरफ दिखे है ना, एलएचएस में, तो एलएचएस में रख लीजिए, इसको उठा की साइड, इसको उठा की साइड, साइड को इंटरचेंज करने पर इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। देखिए मतलब यहाँ पर कितना छोटा छोटा इनक्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं हम है ना, हो भी रहा है यहाँ पर, आपको समझ में आना चाहिए। इसे जब तक ये कंडीशन सही नहीं होगा तब तक हम स्क्वायर नहीं करेंगे, मतलब दोनों का होना जरूरी है, मतलब इतना एंड इतना का, इसीलिए बीच में हम क्या करते हैं,
एंड लेकर के चलते हैं, इसके सॉल्यूशन और इसके सॉल्यूशन में इंटरसेक्शन ले लेते हैं। इंटरसेक्शन लेने का मतलब इसमें कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन देता है, इसमें इंटरवल में सॉल्यूशन दे रहा है, बट इंटरसेक्शन तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन और इंटरवल का पर्टिकुलर ही आएगा ना, इसीलिए यहाँ पर हम सॉल्यूशन सेट में पर्टिकुलर सॉल्यूशन ही लेते हैं। अच्छा, 1 + 5x = इधर स्क्वायर लगाइएगा तो 1 - 2x + क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। अच्छा, ये अब ये सब उठा करके उस साइड कीजिए, 1 से 1 कैंसिल हो गया, इसको उठा करके जब आप इस साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा -7x = 0, तो एक्स इन टू है ना, x - 7 = 0, तो x = हो गया 0 and 7। बट यहाँ देखिए x का वैल्यू क्या कहना चाहता है, 1 या 1 से कम होना चाहिए, 1 तो इसमें आया नहीं तो 1 से कम में क्या आएगा, 0 ही आएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा है ना, ये रिजेक्ट पीस है और ये जो है ना ये हो जाएगा आपका क्या, सेलेक्ट। सो ओनली सॉल्यूशन ऑफ x इज 0 है ना। अब ये भी आप बना सकते हैं, इसको एक जगह कीजिए, इसको उठा करके इस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या करेंगे फिर से एक बार देख लीजिए, 5 - x² बाय क्या है x + 1 = 1, कितना नंबर का, 5 नंबर है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसका स्क्वायर रूट है ना यहाँ पर, हाँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 - x² का स्क्वायर रूट = x + 1। अब यहाँ पर भी वही कंसेप्ट लगेगा, ये 0 या 0 से ग्रेटर होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे है ना, और अब आप सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, कोई भारी बात नहीं है इसको सॉल्व करना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसमें इसमें उतना समझने वाला बात क्या है, सब कुछ तो आप पहले से ही जानते हैं। अब जो हम इनक्वालिटी लिख रहे हैं ना, उनको थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बाद बाकी बिल्कुल भी समझने के लायक नहीं है, एक दिन का चैप्टर है, एक दिन में तो आसानी से ख़त्म हो जाता है ये। अगला देखिए क्या, अब है क्या इनक्वालिटी, यहाँ इनक्वालिटीज कर देते हैं, दोनों को हम लिख ही देते हैं यहाँ पर, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स रहे तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स रहे तो हम इस इनक्वालिटी को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है, ध्यान दीजिएगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, अन्यथा रटना पड़ेगा आपको इसको, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स वाले क्वेश्चन में है ना, आपको नहीं तो रटना पड़ जाएगा। क्या है, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स, इसमें देखिए होना क्या चाहिए, अब आप जानते हैं ये जो एक्सप्रेशन है ये कभी भी 0 से छोटा आएगा नहीं, क्योंकि ये या तो 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना। क्या होगा, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स में रूट अंडर एफ ऑफ एक्स का वैल्यू या तो 0 आएगा या 0 से ग्रेटर आएगा, तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू 0 आ सकता है क्या, एक बार देखते हैं। देखिए जब जी ऑफ एक्स 0 आ जाएगा और इसका वैल्यू यदि 0 आ गया तो 0 कभी 0 से छोटा होता नहीं है, मतलब जैसे देख लीजिए इसका वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर, तो इसका यदि 0 आ गया और इसका भी 0 आ गया, ठीक है, इसका तो 0 या 0 से ग्रेटर होता ही है, लेकिन यदि इसका 0 हो गया ना, यदि इसका 0 हो गया तो 0 कभी 0 से छोटा होता नहीं है, है ना। सो जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से ग्रेटर, इसको डिफाइंड होने के लिए जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए। चलिए यहाँ पर जी ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए, जी ऑफ एक्स 0 से ग्रेटर होना चाहिए, जब ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा तो 0 से छोटा हो जाएगा ना, और बाद में इसका 0 से ग्रेटर वैल्यू होता है, ठीक है, इसका यदि 1 आ जाएगा और इसका 0 हो गया तो 0 से 1 कभी छोटा होता नहीं है, ठीक है। सो इसका वैल्यू 0 से ग्रेटर ही होगा, 0 नहीं होगा कभी भी। और अब यहाँ देखिए एफ ऑफ एक्स क्या होगा, यदि ये 0 से ग्रेटर होगा तो एफ ऑफ एक्स कहीं निगेटिव हो गया तब तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो एफ ऑफ एक्स भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है वो क्या होना चाहिए, 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर हो सकता है, ठीक है। अब पता चल गया मेरे को जी ऑफ एक्स क्या है, 0 से ग्रेटर है,
तो दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा सकते हैं। अब चलिए स्क्वायर कर लीजिए। बस इस बात को, ये तीनों बात को आपको याद रखना है, मतलब ये भी और ये भी और ये भी, तीनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, मतलब जी ऑफ एक्स जीरो से ग्रेटर होगा ही होगा, ठीक है ना। जी ऑफ एक्स यदि जीरो से ग्रेटर हो गया तो एफ ऑफ एक्स को भी जीरो या जीरो से ग्रेटर होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स कभी भी जीरो से कम आने वाला है नहीं, इसीलिए इसका वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा। अब मेरे को पता चल गया जी ऑफ एक्स जीरो से क्या है, ग्रेटर, दोनों तरफ हम स्क्वायर लगा सकते हैं, मतलब ये तीनों का क्या करेंगे हम इंटरसेक्शन लेंगे, क्लियर है। अब चलिए उसको भी कर ही लेते हैं, यदि रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स आ जाए तो क्या करेंगे, या चलिए एक मिनट एक मिनट, लेस देन जी ऑफ एक्स आ जाए तो हम क्या करेंगे, यदि लेस देन जी ऑफ एक्स आएगा तो आप आराम से कर सकते हैं, क्या हम आपको बता देते हैं, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ एक्स ऑन, और समझते हैं ना, यूनियन, और क्या एफ ऑफ एक्स इज, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए अभी हम जस्ट आपको बताए हैं, और इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला यहाँ पर हम आपको प्रॉपर्टी बता दिए कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका क्या बताए हैं, जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो से ग्रेटर, तब आप क्या कीजिए स्क्वायर लगा दीजिए, है ना, क्लियर है। और यहाँ पर हम आपको क्या बताए हैं, जी ऑफ एक्स जीरो से ग्रेटर होना चाहिए और एफ ऑफ एक्स भी जीरो से ग्रेटर होना चाहिए या जीरो होना चाहिए, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी स्क्वायर ऑफ एक्स, ठीक है ना, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसको आप करने के लिए जानते हैं, इसको करने के लिए जानते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा, केवल आपको ये वाला याद कर लेना है। यदि रूट अंडर एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स रहेगा तो जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, आप ऐसे फिर से एक बार देखिए, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज लेस देन जी ऑफ एक्स, तो ये स्क्वायर रूट है, इसका वैल्यू या तो जीरो होगा या जीरो से ग्रेटर होगा, यदि इसका वैल्यू जीरो हो जाए जी ऑफ एक्स के वैल्यू के ऊपर क्या क्या प्रतिबंध यहाँ पर लग सकता है, ठीक है, जी ऑफ एक्स कभी भी जीरो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यदि ये जीरो हो गया और ये भी जीरो हो जाएगा तो जीरो कभी जीरो से छोटा होता नहीं है, इसका मतलब जी ऑफ एक्स हमेशा जीरो से ग्रेटर आएगा, सो क्या कि यहाँ पर हम जी ऑफ एक्स को जीरो से ग्रेटर ले लिए, लेकिन रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है वो यदि वो कहीं जीरो से छोटा हो गया, ठीक है, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है, इसको डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स को जीरो या जीरो से ग्रेटर, अब ये तो इसको डिफाइंड होने के लिए है ना, इसको अब यहाँ क्या करेंगे हम दोनों तरफ स्क्वायर लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे, इसलिए जब आपको ये पता चल जाए कि इधर क्या है पॉजिटिव क्वांटिटी है तो आप स्क्वायर लगा दें, जब तक स्क्वायर नहीं लगेगा तब तक रूट कैसे हटेगा, है ना, तो रूट को हटाना भी चाहते हैं, इसीलिए मेरे को क्या करना पड़ेगा स्क्वायर लगाना पड़ेगा, अब ये सिंपल इनक्वालिटी हो जाएगा तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं, इनक्वालिटी ही तो आज तक चलते आ रहा है ना, मॉडुलस, इनक्वालिटी, रेशनल एक्सप्रेशन, ये सब चीज़ों आपको अच्छे से पढ़ाएं। चलिए अब हम आपको लिख देते हैं ये वाला प्रॉपर्टी, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, तो यहां देखिए रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स में, ठीक है ना, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स का देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, जी ऑफ एक्स क्या हो सकता है, जीरो से हमेशा ग्रेटर, क्यों, क्योंकि जी ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा या मतलब जीरो से, अच्छा नहीं, जी ऑफ एक्स लेस देन जीरो हो सकता है क्या, हाँ जी ऑफ एक्स लेस देन जीरो भी हो सकता है, देखिए जी ऑफ एक्स मतलब जैसे मान लीजिए रूट एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन है, तो ऐसे भी आप एक्स का वैल्यू जीरो टू इनफाइनाइट का कोई वैल्यू आप लेकर के देख लीजिए, ठीक है, तो हमेशा क्या आएगा माइनस वन से ग्रेटर ही आएगा ना, नहीं आई बात समझ में, जीरो से इनफाइनाइट के बीच का कोई वैल्यू आप ले लीजिए, हमेशा देखिए वन माइनस वन से क्या आएगा, ये ग्रेटर ही आएगा, हमेशा ग्रेटर आएगा, तो इसका मतलब इधर जो है ना निगेटिव भी हो सकता है, क्लियर है, इधर निगेटिव हो सकता है, तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स जीरो से, पॉसिबिलिटी हम बता रहे हैं आपको जी ऑफ एक्स क्या हो सकता है जीरो से कम, ठीक है, यदि जी ऑफ एक्स जीरो से कम लेकिन एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमेशा जीरो या जीरो से ग्रेटर, चूंकि जब ये जीरो से कम होगा तो जब तक ये जीरो या जीरो से ग्रेटर नहीं होगा तब तक ये डिफाइन नहीं होगा, यदि ये भी जीरो से कम होने लगेगा ये भी कम होने लगेगा तो हो सकता है ये माइनस टू हो जाए और ये माइनस वन हो जाए, ठीक है ना, तो माइनस टू माइनस वन से
कम तो होता नहीं है, ऐसे भी आप जानते हैं ये क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट है, इसका वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा या जीरो से ग्रेटर आएगा। तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और ऐसे भी हो सकता है, और पहले आपको ये समझ में आया क्या, जी ऑफ एक्स जीरो से छोटा भी आ सकता है, ठीक है, तो भी ये डिफाइंड हो जाएगा, स्क्वायर रूट यहाँ पर डिफाइंड है, लेकिन जब ये जीरो से छोटा आएगा तो इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो या जीरो से ग्रेटर होना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब जी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर हो सकता है क्या, हाँ इसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है, देखिए इधर यदि वन हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, तो वन जीरो से ग्रेटर ही आता है ना, तो इसीलिए यहाँ पर जी ऑफ एक्स का वैल्यू हम ऐसे बोल सकते हैं जीरो या जीरो से ग्रेटर। अब यहाँ देखिए, अभी यहाँ स्क्वायर नहीं लगा सकते, जब जी ऑफ एक्स आप जीरो से कम लेंगे तो स्क्वायर नहीं लगा सकते, यदि जीरो से कम लेने पर स्क्वायर लगा लेते तो यहाँ पर ही हम स्क्वायर कर लेते, तो इतना डिफाइन करने का जरूरत ही नहीं था, लेकिन यहाँ देखिए एक बार हम क्या किए, जी ऑफ एक्स का वैल्यू जीरो ले लिया या जीरो से ग्रेटर ले लिए, मेरे को आइडिया आ गया कि जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, या तो जीरो आएगा या जीरो से ग्रेटर आएगा, तो अब ये जीरो या जीरो से ग्रेटर हो गया तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं। हम आपको बोले नॉन निगेटिव क्वांटिटी यदि आपको दिख जाए तो आप स्क्वायर लगा दीजिए, अब तो ये यहाँ पता चल गया मेरे को ये नॉन निगेटिव है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, थोड़ा सा टफ है ना याद करना, बट याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। यदि जी ऑफ एक्स एफ ऑफ रूट अंडर एफ ऑफ एक्स लेस देन जी ऑफ एक्स रहेगा तो जी ऑफ एक्स को जीरो से ग्रेटर होना पड़ेगा, बट जीरो ये नहीं होगा, एफ ऑफ एक्स को भी जीरो या जीरो से ग्रेटर होना पड़ेगा। अब मेरे को पता चल गया जी ऑफ एक्स जीरो से ग्रेटर है तो स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं ये ऐसे लिखा हुआ है तो आप यहाँ पर स्क्वायर लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ दिख रहा है जो नंबर है पॉजिटिव है, तो यहाँ पर स्क्वायर आप लगा सकते हैं, यही आ जाएगा, है ना। अब देखिए कहीं यदि रूट अंडर एक्स माइनस वन से कम रहेगा तो यहाँ स्क्वायर लगा सकते हैं क्या, नहीं, यहाँ एक्स का कोई ऐसा पॉसिबल वैल्यू नहीं है जिनको यहाँ पर रखेंगे तो माइनस वन से कम आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद फिर चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, रूट अंडर एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन रहेगा तो सही है, इसका वैल्यू जीरो या जीरो से ग्रेटर होता है ना, हमेशा जीरो या जीरो से क्या होगा, ग्रेटर होगा इस एक्सप्रेशन का वैल्यू, और जो क्वांटिटी जीरो या जीरो से ग्रेटर होगा वो हमेशा माइनस वन से ग्रेटर होगा, ठीक है, तो यहाँ तो सही है ये। अब यहाँ कहीं यदि ऐसे हो जाए रूट एक्स, ठीक है, ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पर हम स्क्वायर लगा सकते हैं, अब ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है, तो अब हम स्क्वायर कर सकते हैं, एक्स इज ग्रेटर देन वन हो गया, समझ में आया क्या। हाँ याद रखिएगा, जब आपको दिख जाए आर एच एस में क्या है, नॉन निगेटिव है, जीरो भी रहेगा तो भी हम स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, यदि आपको पता चल जाए आर एच एस में नॉन निगेटिव है तब आप स्क्वायर कर सकते हैं। यहाँ क्या किए हम, जी ऑफ एक्स को जीरो जीरो से कम ले लिए, ऐसा रह सकता है ये, देख लीजिए यहाँ पर ये है, तब भी एक्स का वैल्यू यहाँ पर मेरे को मिल रहा है, एक्स जीरो टू इन्फाइनाइट आप कोई भी लेकर के देखिए ना, मतलब तब भी एक्स मिल रहा है ना, यदि ये जीरो से कम रहेगा, जी ऑफ एक्स जीरो से कम होता है तब भी मेरे को एक्स मिल रहा है ना, और यदि ये जीरो से ग्रेटर हो रहा है तब भी देखिए मेरे को एक्स मिल रहा है, इसका मतलब पॉसिबिलिटी यहाँ आपको बता रहे हैं, ये सब पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, पॉसिबल है ना। सो हम आपको, ठीक है, इसका ये दोनों रिजल्ट मतलब हम लिख दिए, ठीक है ना, और ये भी रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर भी यदि इक्वल टू रहता तो हम क्या करते, इक्वल टू रहता दो केस में करते, जैसे यहाँ पर किए हैं इक्वल टू, एक ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता, अच्छा ये तीन नंबर हो गया, जैसे मान लीजिए ऐसे रहता ये तीन और ये चार कर लीजिए, रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो हम क्या क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ग्रेटर देन या इक्वल टू जी ऑफ एक्स कर लेते, और रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स, इसको सॉल्व करने आप जानते ही हैं, इसको सॉल्व करने हम आपको बताए दिए हैं, दोनों में यूनियन लेना है, और लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना, यूनियन लेना है, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी का मतलब ये होता है ए बी से बड़ा होगा या ए बी के बराबर होगा, या है ना, और है ना यहाँ पर, इसीलिए चलिए अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं इसके ऊपर। एक एक क्वेश्चन भी कर लेंगे दोनों के ऊपर तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं इनक्वालिटी को, कोई बड़ी बात नहीं है सॉल्व करना इसको, है ना। देखिए क्वेश्चन में 9 माइनस एक्स इज लेस देन 2, इसको हम कैसे बनाएंगे, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे,
तो यहाँ देखिए 9 माइनस एक्स इज लेस देन 2 यदि है, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मेरे को, एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए जी ऑफ एक्स क्या होना चाहिए, जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। यहाँ देखिए जी ऑफ एक्स की जगह पर 2 है, जो कि जीरो से हमेशा ग्रेटर ही आता है, तो यहाँ पर क्या होना पड़ेगा, रूट के अंदर में जो एक्सप्रेशन है, ओहो, इसको जीरो या जीरो से ग्रेटर होना पड़ेगा। ये तो सही है, जो सही है उसको आप हटा दीजिए। अरे आपको मालूम है ना कि 2 0 या 0 से ग्रेटर, 0 से ग्रेटर ही होता है, ये 0 से ग्रेटर इसको छोड़ देंगे। अब 9 माइनस एक्स 0 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। अब स्क्वायर लगाएंगे तो 9 माइनस एक्स, इसको उठा के सेट कीजिएगा, 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स। अच्छा तो ये हो जाएगा क्या, 9 माइनस एक्स, अब साइड को इंटरचेंज कर लीजिए, एक्स इज ग्रेटर देन, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 9, इसको उठाइए इस साइड कीजिए, इसको उठा के इस साइड कीजिएगा, तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, 5 कीजिएगा। सॉल्व इनक्वालिटी सॉल्व करने के लिए हम आपको बता दिए, ठीक है, इसमें हम बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहते हैं, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन ले लीजिए, ये इधर जाएगा और ये इस साइड, x बिलोंग्स टू 5 to 9, यहाँ क्लोज यहाँ ओपन। अब देखिए जैसे बहुत सारे लोग जिसको कंसेप्ट नहीं है, बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं है, वो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएगा, स्क्वायर लगा देगा यहाँ पर, है ना, स्क्वायर कर लेगा, स्क्वायर करेगा तो देखिए उसको मिलेगा क्या, 9 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 4, और इसको उठा के सेट, इसको उठा के सेट, 5 इज लेस देन एक्स, और इधर जाएगा तो 5 टू इन्फिनिटी। अब आप देख सकते हैं यहाँ, ध्यान दीजिए, 5 टू इन्फिनिटी का हम बात यहाँ पर कर लिए हैं, 16 है ना, 16 इसमें आ जाएगा ना, 5 से इन्फिनिटी में, आप यहाँ पर 16x की जगह पर रख करके देखिए, 9 माइनस 16 कितना आ जाएगा, -7, रूट के अंदर -7 कभी भी डिफाइंड होगा क्या, नहीं होगा। इसके लिए ये कंडीशन आपको मतलब फुलफिल होना चाहिए, ठीक है, जो यहाँ है वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, यदि है तो उसको हटा देंगे, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, जो रूट के अंदर में एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू या तो 0 हो सकता है, 0 से ग्रेटर हो सकता है, ये भी बात सही है, ये 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना, और तब दोनों तरफ हम स्क्वायर लगाएंगे। अभी यदि हम ऐसे स्क्वायर लगा देते, देखिए आंसर क्या आता, और 5 9 तक तो सही है, 9 से जैसे आप 10 लेते, 10 9 माइनस 10 करते तो क्या होता, -1 आ जाता, जो कि कभी भी डिफाइन नहीं होता, ठीक है, समझ में आया क्या। ये इसका सॉल्यूशन और मतलब रियल सॉल्यूशन ये है, ठीक ना, एग्जैक्ट जिनको हम लोग बोल सकते हैं, ये रॉन्ग है, रॉन्ग कहीं भी कभी भी, ठीक ना, स्क्वायर नहीं करने लगना है, ठीक है, आज के बाद, पहले आपने जो किया किया, ठीक है, आज के बाद बिल्कुल भी इस तरीका से नहीं करना है। कहीं देखे तो रूट वाला फंक्शन और रूट वाला क्वेश्चन देखे तो उसमें क्या करेंगे, मैं स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है, स्क्वायर लगाना बहुत ही गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब गलत कंसेप्ट का गलत नतीजा आ जाएगा, ठीक है, नतीजा समझते ना, रिजल्ट, रिजल्ट जिसको बोलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या है, 4 माइनस एक्स इज लेस देन -1, ग्रेटर देन -1। अब इसको सॉल्व करना चाहते हैं, इसको सॉल्व करना चाहते हैं। यहाँ देखिए यदि जी ऑफ एक्स 0 या 0 से ग्रेटर रहेगा तब हम स्क्वायर करते हैं। आपको यहाँ दिख रहा है क्या, जी ऑफ एक्स यदि 0 या 0 से ग्रेटर करते हैं तब स्क्वायर करते हैं, यदि जी ऑफ एक्स 0 से कम रहे तो यहाँ क्या करते हैं, एफ ऑफ एक्स को 0 या 0 से क्या कर लेते हैं, ग्रेटर कर लेते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जी ऑफ एक्स 0 से कम है तो यहाँ मेरे को क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स को 0 या 0 से ग्रेटर करना पड़ेगा, ओनली स्क्वायर नहीं लगाना है, ठीक है। अब इसको उठा के इस साइड कीजिए, अब एक्स इज लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 4। ठीक है ना, अब देखिए आपको अब ये सब चीज़ का यूज़ कहाँ पड़ेगा। अब जैसे एक आपको ऐसा लग सकता है ना कि सर ये सब चीज़ आप कहाँ यूज़ करेंगे, इतना सारा चीज़ जो आप पढ़ा रहे हैं इसका यूज़ कहाँ होगा, ठीक है, आप ध्यान दीजिए यूज़ कहाँ होगा आपको बता देते हैं। जैसे आगे क्वेश्चन रहेगा, फाइंड डोमेन ऑफ लॉग 4 माइनस एक्स प्लस 1। अब इस लॉग का डोमेन निकालना है मेरे को। अब लॉग का डोमेन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए y इक्वल्स टू कहीं लॉग x है,
इसका डोमेन चाहिए मेरे को, इस लॉग का डोमेन चाहिए। डोमेन का मतलब एक्स का वो तमाम वैल्यूज चाहिए जिस पर वाई हमेशा क्या आएगा, डिफाइंड आएगा। मतलब सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ वाई मेरे एक्स चाहिए मेरे को, ठीक है, जिस पर वाई को बिल्कुल भी है ना कष्ट नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा। तो वाई कब वाई को तकलीफ नहीं होगा, इसका मतलब इस लॉग को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगा, चूंकि ये लॉग तो वाई के बराबर है ना। तो लॉग को तकलीफ तब नहीं होगा जब एक्स क्या होगा, जीरो से ग्रेटर होगा। जीरो तो कभी ये हो नहीं सकता है, तो हमेशा क्या आएगा, ये जीरो से ग्रेटर आएगा। और ऐसे इस लॉग के बेस में ई है, ठीक है, नहीं कुछ रहने पर कैलकुलस में ई ही हम लेकर के चलते हैं, ठीक है। फंक्शन में डोमेन और रेंज हम आपको बताएंगे कैसे कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो अब इसके लिए क्या होना चाहिए, देखिए लॉग को डिफाइंड होने के लिए, लॉग को डिफाइंड होने के लिए लॉग का आर्ग्यूमेंट क्या होना चाहिए, जीरो या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए ना। तो फोर माइनस एक्स प्लस वन जीरो से ग्रेटर होना चाहिए मेरे को, तो चाहिए एक्स का वैल्यू है ना। डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इन विच, ठीक ना, वाई इज डिफाइंड, मतलब एक्स का वो तमाम वैल्यू जिस पर वाई क्या हो जाए, डिफाइंड हो जाए। अब हम इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, तो फोर माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस वन। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ आपको सॉल्व करने ही नहीं आ रहा है, तो क्या इसका आप डोमेन निकाल पाएंगे, पहले आप मेरे को बताइए, ठीक है। जब तक आप इसको सॉल्व करने के लिए नहीं जानेंगे, तब तक आप इसका डोमेन कैसे निकालेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए अभी देखिए यहाँ पर हम आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। आपको मतलब बहुत जगह फंसाया जा सकता है, ठीक है, ये नहीं है कि ये यहाँ के लिए ही है, एक्चुअली कैलकुलस के लिए हम ये सब चीज़ पढ़ा रहे हैं, और आपको जानना भी मतलब चाहिए ऐसे ये सब चीज़, ठीक है। मैथमेटिक्स में यदि ये सब चीज़ नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जान पाए। तो यहाँ देखिए, अब फंक्शन मतलब आपका रुक जाता, मतलब आप ये सब क्वेश्चन का डोमेन बिल्कुल भी आप नहीं निकाल पाते, लेकिन यदि आप इनक्वालिटी को सॉल्व करने जानते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने जानते हैं, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। अब बच्चे को मालूम ही नहीं है यहाँ पर इसका हम डोमेन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। इसका डोमेन को निकालने के लिए, अरे अरे यहाँ गलती हो गया, फोर या फोर से कम होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी टू ये, ठीक है ना, समझ में आया क्या कितना इम्पोर्टेंट है। इसका आंसर क्या आया, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू फोर। आप कोई वैल्यू रखिए फोर या फोर से कम, आप इसमें रख करके देखिए हमेशा ये क्या आएगा, डिफाइंड आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखने से काफ़ी आसान लग रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना, बट उतना आसान नहीं है, ये बात आप जान लो बच्चे लोग, ठीक ना। जब आप मैथमेटिक्स के तह तक जब आप जाएंगे, ठीक है, अंदर तक जब आप जाएंगे, तो आपको महसूस होगा कितना सारा चीज़ पढ़ने के लिए मैथमेटिक्स। अभी आपको 0.1% नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है, जो मैथमेटिक्स में एक्चुअली पढ़ने के लिए एडवांस सबके सिलेबस में, समझ में आया क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब जैसे देखिए क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर रूट इज ग्रेटर देन एक्स। अब इसको सॉल्व करना है, यहाँ देखिए रूट अंडर एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन जी ऑफ एक्स रहने पर क्या क्या हो सकता है। यहाँ पर जी ऑफ एक्स जीरो से कम, जी ऑफ एक्स की जगह पर क्या है, एक्स है, तो एक्स का वैल्यू जीरो से कम हो सकता है, हाँ हो सकता है। अभी आप देखें ना, यहाँ पर जी ऑफ एक्स जीरो से कम भी हो गया, तब भी यहाँ पर बहुत सारा सॉल्यूशन डिफाइन हो गया। अच्छा, तब यदि ये जीरो से कम होगा तो क्या होगा, यहाँ तब एक्स स्क्वायर माइनस वन को जीरो या जीरो से ग्रेटर होना पड़ेगा। और यदि आपको ये पता चल जाए x 0 से ग्रेटर है, यदि ये पता चल जाए x 0 से ग्रेटर है, तब दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। समझ में आया क्या, यदि x नेगेटिव रहेगा तो हम f ऑफ x को क्या करेंगे, 0 लेंगे या 0 से ग्रेटर लेकर के सॉल्यूशन निकाल लेंगे, ठीक है। यदि x 0 से ग्रेटर रहेगा तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये 0 भी हो सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं, ये जीरो भी हो सकता है। यदि जीरो रहेगा तब भी स्क्वायर करेंगे, अच्छा जीरो नहीं रहा तो भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब चलिए, एक्स इज लेस देन जीरो, और इसको उठा करके इस साइड कीजिए, एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन। और यहाँ पर अच्छा, यहाँ ध्यान देना है, काफ़ी ज़बरदस्त जगह आ करके क्वेश्चन जो है ना डेरा डाल दिया है। यहाँ से ही हम सोच लेते हैं इस क्वेश्चन पर, यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, एक्स का रहा है जीरो या जीरो से ग्रेटर है, तो कोई अपने मन से एक वैल्यू जीरो मतलब एक्स का ले लीजिए, फाइव ले लीजिए,
ठीक है, और 5 का स्क्वायर कीजिएगा 25 माइनस 1 कितना आ जाएगा 24, और यहाँ देखिए 25 कभी भी 25 क्या होगा 24 क्या होगा 25 से ग्रेटर नहीं आएगा। मतलब यदि आप x का कोई भी है ना 0 या 0 से ग्रेटर वाले वैल्यू लेते हैं, 0 ही आप लेकर के देख लीजिए ना, 0 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 है ना इधर आ जाएगा 0 माइनस 1 कभी भी 0 से ग्रेटर नहीं आता, मतलब इसमें क्या होगा x का वैल्यू पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, जब आप इसको सॉल्व करने लगेंगे तो ये क्या आ जाएगा x इज लेस देन 0, इसको उठा करके इस साइड x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए इसको हटा देते हैं, क्योंकि जब इसमें एक इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट नहीं लेगा, दोनों का यदि हम यूनियन लेंगे तो यही बचेगा केवल, ये हट जाएगा, इसको हटा ही देते हैं। अरे जैसे आपको समझ में आया नहीं क्या, इसमें मान लीजिए एक भी एलिमेंट नहीं है और सेट भी है जिसमें, अच्छा ऐसे फाइ लिखेंगे करली ब्रैकेट यदि हम डाल देंगे फाइ के अंदर में तो एक एलिमेंट आ जाएगा उसमें, है ना, केवल फाइ, नल सेट को दिखाने का सिंबल है, करली ब्रैकेट में नहीं डालना है, 1 2। अब इसका यूनियन लेंगे है ना, ए यूनियन बी, तो सीधा सीधी बी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट ही नहीं है, बी आ जाएगा, इसका मतलब 1.2 आएगा, ठीक है। अब चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक्स इज लेस देन 0 और यहाँ देखिए x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे x का वैल्यू छोटा से छोटा होगा और x बड़ा से बड़ा होगा। अब x के निकाले गए वैल्यू को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ 0, यहाँ क्या माइनस 1, अच्छा यहाँ देखिए इधर आ जाएगा x का वैल्यू 0 से कम, यहाँ माइनस 1 या माइनस 1 से कम, यहाँ क्या 1 या 1 से ग्रेटर। एक्स का कॉमन सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 पर ये राजी हो जाएगा, ठीक है। इस इनक्वालिटी का आंसर देखिए क्या आया, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1, माइनस 1 पर क्या लगेगा क्लोज इंटरवल, ठीक है। चलिए आगे ट्राई करते हैं एक दो क्वेश्चन और, उसके बाद फिर कहानी को आज यहीं ख़त्म करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, देख लीजिए ये इसी मेथड पर है, इसी फॉर्म पर है, इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसके लिए क्या करना पड़ेगा मेरे को, यदि ये 0 से क्या हो जाए कम आ गया, पॉसिबिलिटी हम जता रहे हैं, ठीक है, यदि ये 0 से कम रहेगा तो एफ ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा 0 या 0 से ग्रेटर, ठीक है, तब इसको 0 या 0 से ग्रेटर होना ही पड़ेगा। अब देखिए यदि ये 0 से 0 या 0 से ग्रेटर हो जाए तो मेरे को स्क्वायर लगाना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है, अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको, और ये क्या आ जाएगा x इज लेस देन 1। अब यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू क्या रहा है 0 या 0 से ग्रेटर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वैल्यू 0 या 0 से ग्रेटर, हाँ होता ही है, ऐसे 0 नहीं होता है बट 0 से ग्रेटर तो होता है ना, तो ये हमेशा के लिए सही है, ठीक है। फोर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का कोई वैल्यू आप ले लीजिए, ठीक है, और इसमें आप रखिए हमेशा 0 से कम ही, मतलब 0 या 0 से ग्रेटर ही आएगा, 0 तो नहीं आएगा, 0 से ग्रेटर आएगा। अब दोनों का इंटरसेक्शन, यहाँ आ जाएगा 1, यहाँ माइनस प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यहाँ यहाँ से कम, यहाँ से x बिलोंग्स को क्या आया माइनस इन्फिनिटी से 1, 1 पर ओपन रहेगा। यहाँ देखिए इसको उठाइए इस साइड कीजिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इससे 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 ये कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ बच गया 0 इज ग्रेटर देन माइनस 2x, ठीक है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, माइनस 2 से डिवाइड लगा देते हैं, x इज लेस देन इक्वल टू क्या हो गया 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिएगा ये
नहीं तो चलो हम कर देते हैं यहाँ पर, इसको इस साइड कर लेते हैं, क्या लेस देन है, हाँ साइड को इंटरचेंज करने पर इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे इस साइड तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब ये दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, यहाँ जीरो यहाँ वन, एक्स का वैल्यू वन होना चाहिए, वन से ग्रेटर जीरो या जीरो से ग्रेटर, तो वन से ग्रेटर पर ये मानेगा और वन पर भी रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट। रिक्वायर्ड सॉल्यूशन सेट देखिए क्या आ जाएगा, इधर क्या है x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू वन, और यहाँ देखिए वन से क्या है इन्फिनिटी, दोनों का यूनियन ले लीजिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, आप कीजिएगा ठीक है, आएगा इतना ही आंसर। चलिए आगे चलते हैं, एक इस पर एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद है अब आपको ये सब समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन में 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन, मतलब रूट अंडर एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 माइनस एक्स, रूट अंडर 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन 4 माइनस एक्स, इसके लिए देखिए क्या होना चाहिए, जी ऑफ एक्स जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, जी ऑफ एक्स जीरो से ग्रेटर होना चाहिए, एफ ऑफ एक्स जीरो या जीरो से ग्रेटर होना चाहिए। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स की जगह देखिए क्या है, अच्छा ऐसा करते हैं ना, ऐसे लिख लेते हैं ज़्यादा मतलब बेहतर होगा, जीरो से ग्रेटर, 3x माइनस एक्स स्क्वायर भी जीरो या जीरो से ग्रेटर, तीनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे, 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन, अब ये पता चल गया मेरे को पॉजिटिव है तो स्क्वायर करने मेरे को बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसको उठा के इस साइड कीजिए और साइड इंटरचेंज कर लीजिए, यहाँ पर यहाँ से माइनस एक्स कॉमन कर लीजिए, क्या आ जाएगा एक्स माइनस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस से डिवाइड लगाइए और इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा जीरो से लेकर के एक्स का वैल्यू थ्री तक आएगा, कैसे आपको पता चल गया होगा, इसको जीरो के बराबर किए छोटा बड़ा के बीच में एक्स का आंसर लिख लिए, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, थ्री माइनस एक्स स्क्वायर इज लेस देन, ये आ जाएगा 16 माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको उठाइए इस साइड कीजिए, इधर हो जाएगा जीरो इज लेस देन, इसको सबको उठा के इस साइड कीजिएगा तो आ जाएगा क्या 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 16। अब इस साइड को इस साइड मतलब ये जो है ना RHS में जो है उसको LHS कीजिए, 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 16 इज ग्रेटर देन जीरो। अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है, इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है, ये तो मतलब इस ये तो सॉल्व ऑलरेडी हुआ हो ही गया है। ठीक है, अब तीनों का इंटरसेक्शन ले लेना है। ठीक है, चलिए आज इतना ही आप कीजिएगा, हम आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, करके रखिएगा। x माइनस वन का स्क्वायर रूट इज लेस देन, अच्छा टू इंटू है ना, यहाँ टू इंटू है तो इस टू से इधर डिवाइड लगा लीजिएगा। ठीक है, चूंकि रूट अंडर एफ ऑफ एक्स में स्क्वायर रूट का कोफिशियंट क्या होना चाहिए, केवल वन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ क्या कर लीजिएगा ऐसे, क्लियर है। दूसरे नंबर में चलिए, फाइव माइनस टू एक्स का स्क्वायर रूट इज लेस देन 6x माइनस वन। थ्री नंबर में, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, एक्स प्लस वन से कम। ट्वेल्व माइनस एक्स क्या होना चाहिए, टू से ग्रेटर। एक्स स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर, रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होना चाहिए, एक्स से ग्रेटर। ठीक है ना, ये पांच क्वेश्चन को बनाइएगा, अब हम अगले दिन ठीक है ये सब क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और आप कर लेंगे तो आपको मिलाने में काफ़ी सहूलियत होगी। ठीक है, जो हम आपको कर दिए हैं उसी के कंसेप्ट से ये भी बन जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आज इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।